तो दोस्तों 40 से 45 लीटर तक पानी हमने लिया है मशीन में। इसमें हम ब्लैंकेट करेंगे वॉश और 100% आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से दिखाएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम यूज करेंगे IFB लिक्विड, ये 20 ml है दोस्तों। पचास से 60 ml हमने IFB लिक्विड यूज किया है। अब हम इजी लिक्विड भी यूज करेंगे। IFB लिक्विड आपको ऑनलाइन मिलेगा, इजी लिक्विड आपको शॉपिंग मॉल में या जनरल स्टोर्स में या प्रोविजन शॉप में मिल जाएगा दोस्तों। ये हम कम से कम 20-30 ml तक डाल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विड अमोनिया, अगर आपको ये मिला तो ठीक है, अगर नहीं भी मिला तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लिक्विड अमोनिया सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग मशीन में ही यूज करना है दोस्तों। तो ये रहा एक ब्लैंकेट, ये फुल साइज सिंगल बेड का ब्लैंकेट है दोस्तों, दक्ष का ब्लैंकेट है ये, और ये काफी मोटा है दोस्तों। ये सिंगल बेड है, सिंगल लेयर है, बट काफी मोटा है। ये डबल लेयर ब्लैंकेट है बट काफी सॉफ्ट है और काफी महंगे ब्लैंकेट्स है दोस्तों। और ये किसी कस्टमर के नहीं, मेरे घर के ही है, बट मेरे छोटे वॉशिंग मशीन में ये नहीं आने वाले थे, इसीलिए मैंने इस बड़े मशीन में इसको वॉश करना सोचा है। तो दोस्तों जब भी आप ब्लैंकेट वॉश करेंगे ना, तो मशीन में 1/3 एरिया जो होगा ना वो ब्लैंकेट ने कवर करना चाहिए, और 1/4 एरिया जो होगा वो स्पेस खाली रहना चाहिए। अभी ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरा भर गया है, बट जब इसमें पानी मिक्स होगा ना, अभी पानी मिक्स नहीं हुआ है, इसको मैं 1-2 चक्कर घुमाऊंगा, उसके बाद में 20 मिनट तक इसको सोकिंग होने दूंगा, तो इसमें जो 25% जो स्पेस होगा ना ऑटोमेटिकली वो खाली हो जाएगा, तब ये ब्लैंकेट की वॉशिंग अच्छे से हो सकती है। इस मशीन में एक फुल साइज डबल बेड ब्लैंकेट और एक बिग साइज सिंगल बेड ब्लैंकेट, फुल साइज का सिंगल बेड ब्लैंकेट इसमें आराम से आ जाता है दोस्तों। तो मैंने पहले तो कई बार इसको वॉश किया ही है, इसको कम से कम 2-5 मिनट तक वॉश करेंगे, उसके बाद में कम से कम 20 मिनट के लिए सोकिंग होने देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसको 5 मिनट हमने वॉश कर लिया है अच्छे से ब्लैंकेट को, अभी मैं इसको 20 मिनट सोकिंग करूंगा, तो काफी सारा स्पेस मशीन में है दोस्तों, तो इतना स्पेस मशीन में होना ही चाहिए, तब आपका ब्लैंकेट को अच्छे से मार मिलेगा और अच्छे से वो वॉश होंगे दोस्तों। को 20 मिनट तक सोकिंग करने के लिए रखा है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अब हम ब्लैंकेट को 15 मिनट वॉश करेंगे दोस्तों मशीन में, 15 मिनट ये वॉश होंगे, फिर उसके बाद में ये सारा मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। और इस प्रोसेस में ब्लैंकेट सिर्फ मैले हो ऐसा नहीं है, बहुत बार ब्लैंकेट मैले नहीं भी होते, बट उसमें स्मेल, गंदी वाली स्मेल आती है, तो वो निकलनी चाहिए, उसके साथ साथ मैल, डर्ट, ऑयली हो जाते हैं ब्लैंकेट काफ़ी, तो वो भी अच्छे से सारा कुछ एट द एंड ब्लैंकेट 100% क्लीन, 100% शाइनी और 100% सॉफ्ट होते हैं इस प्रोसेस में दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो। तो दोस्तों अभी मशीन में 15 मिनट का वॉशिंग हो गया है, अभी मशीन में पानी मैंने मशीन से छोड़ दिया है, कम से कम 2 मिनट लगेंगे सारा पानी ड्रेन होने में, उसके बाद में हम साफ पानी मशीन में डाल सकते हैं दोस्तों। अभी हम फ्रेश वाटर में इनको वॉश करेंगे 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों मशीन में हमने एक बार डिटर्जेंट से वॉश किया, जो लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह आपके सामने बनवाया वो, उसके बाद में साफ पानी से वॉश किया, अभी लास्ट में हम लास्ट वाला जो खंगाल है ना, फैब्रिक कंडीशनर, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर यूज करेंगे। आपके पास कोई भी और होगा तो यूज कर सकते हैं दोस्तों,
वैसे तो हमने जो लिक्विड डिटर्जेंट आई एफ बी यूज किया था, इजी लिक्विड यूज किया था, तो उसका तो स्मेल काफी बढ़िया आ रहा है, फिर भी मैंने ये कंफर्ट डाल दिया है तो मैं यूज कर लेता हूं। तो अभी इसको भी 5 मिनट हम वॉश करेंगे दोस्तों, और फिर ये सारा पानी ड्रेन कर दूंगा। और ड्रेन करने के बाद में मैं एक ट्रिक करता हूँ, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा गीले हैं, अगर मैं इनको उठाने जाऊंगा तो मैं खुद भी गीला हो जाऊंगा, तो मैं पानी ड्रेन हो जाने के बाद में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूंगा इसको। इसी तरह से 50% पानी यूं ही ड्रेन हो जाएगा, फिर हम हाइड्रो में डालेंगे दोस्तों, बने रहिए इसी तरह। दोस्तों अभी हमने पानी ड्रेन कर दिया है सारा, और अभी मैं मशीन को इसी तरह से छोड़ दूंगा ब्लैंकेट को, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हीवी है ब्लैंकेट गीला होने की वजह से। तो 50% पानी रिस जाएगा 20-25 मिनट में, फिर उसको मैं डालूंगा हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में, पानी कम हो जाएगा, सही से हम हैंडलिंग इसकी कर पाएंगे। दोस्तों ये एक ब्लैंकेट है जो अभी हाइड्रो करना बाकी है, और एक ब्लैंकेट हाइड्रो में डाल दिया गया है, और ये मेरी वाइफ ने अकेली ने उठा के इसमें डाला है दोस्तों। पानी इसमें से बहुत सारा पानी निकल गया है, थोड़ा सा वेट इसका कम हो गया है, तो आसानी से हम उठा के इसको हाइड्रो में डाल सकते हैं। तो इसको मैंने कम से कम आधे घंटे तक है ना ऐसे ही छोड़ दिया था, तो उस वजह से क्या हुआ, इसका जो पानी होता है ना एक्स्ट्रा पानी, वो रिस जाता है, निकल जाता है। तो मैं इसको अकेला ब्लैंकेट को पकड़ के हाइड्रो में भी डाल सकता हूं दोस्तों। जब मेरे पास हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन नहीं था ना दोस्तों, तो मैं इसी तरह से रात भर ब्लैंकेट को छोड़ देता था, तो उसमें उसका 80% पानी रात भर में ही निकल जाता था, और दूसरे दिन फिर ब्लैंकेट को सुखाया करता था, जब मेरे पास ये बड़ा वाला हाइड्रो नहीं था। ये ब्लैंकेट के लिए ही मैंने ये बड़ा हाइड्रो मंगवाया है, क्योंकि अभी है बारिश के दिन, और अभी अगर ये हाइड्रो नहीं हुआ तो इसमें से स्मेल आ सकता है। तो दोस्तों ब्लैंकेट एकदम कटोकट आ गया है मशीन में, मशीन का जो अंदर का बास्केट का साइज है ना, वो 12x20 का साइज है दोस्तों। 12x20 में आपका कोई भी फुल साइज डबल बेड ब्लैंकेट आ जाएगा। काफी बड़ा ब्लैंकेट है, और देख लीजिए इसकी शाइन, और ऐसा करने से इसमें से धूल नहीं उड़ती है। अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज करोगे, अमोनिया लिक्विड यूज करोगे, तो इस तरह से धूल नहीं उड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों शाइन और कलर ब्लैंकेट के। तो बस दोस्तों ये वीडियो, ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हमने हमारे घर की बनावट ऐसे की है ना, 50 ब्लैंकेट भी आ जाएंगे ना तो ये पूरी रेलिंग पे आ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे भी रेलिंग है, स्टैंड के ऊपर भी ब्लैंकेट डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी रेलिंग है दोस्तों। यही सोच के मैंने बनाए हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट भी हमारे पास आ गए, साड़ियाँ भी बहुत सारी आ गई, तो फिर भी हम सुखाने का काम इनको अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए हमने ये रेलिंग बनवाई है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ, या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।